हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आपके लिए मैं चने की दाल से बना बहुत ही हेल्दी नाश्ता लेकर आई हूँ, जो यूपी का फेमस नाश्ता है ये। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस चने की दाल को मैंने 2 कटोरी दाल थी जो ओवरनाइट मैंने भिगो दी थी। तो भिगोने के बाद आप देखते हैं ये, तो भिगोने के बाद मैंने अच्छे से वॉश कर ली है और इसमें 2 बारीक बारीक मैंने हरी मिर्च डाल दी हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे अब हम ग्राइंड कर लेंगे। लेकिन इसको बिना पानी के ही आपको ग्राइंड करना है, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो 2 से 3 बार में अच्छे से ग्राइंड हो जाएगी। तो ये देखिए, बिना पानी के ये दाल मैंने पीसी थी, तो काफ़ी थिक है और थिक ही दाल हमें चाहिए। अब इसमें मसाले डालेंगे सारे। तो सबसे पहले मैंने 2 पिंच हींग डाल दी है और थोड़ा सा मैंने डाला है जीरा। अब इसके बाद डालूंगी मैं 1 चम्मच धनिया पाउडर, इसके बाद थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। अब इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो मसालों को आप कम ज़्यादा जैसा भी आप खाते हो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब लास्ट में मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें आप। तो नमक डाल के इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। अब अगर आप लहसुन खाते हैं तो इसी स्टेज पर आप एक लहसुन की कली है जो बारीक बारीक आप पीस कर इसमें डाल सकते हैं। तो ये दाल की स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। तो इतनी ही थिक हमें स्टफिंग चाहिए। अब हम चलते हैं डो लगाने। तो एक मैंने 2 कटोरी आटा लिया है एक बाउल में ये, और इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है और 2 से 3 चम्मच मैं देसी घी डाल दूंगी इसमें मोयन के लिए। अच्छा, मोयन के लिए आप देसी घी ज़रूरी नहीं है, आप कोई ऑयल भी डाल सकते हैं जो आप खाते हैं। बस थोड़ा सा डालना है आपको, बस मोयन के लिए। तो ये मैं देसी घी डाल रही हूँ, इसको थोड़ा सा मिक्स कर दूंगी इसमें अच्छे से। जब भी आप मोयन डालें तो पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लें, उसके बाद ही डो लगाएं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसका एक टाइट डो लगाना है, जैसे पूड़ी का लगाते हैं ना, वैसे तो पूड़ी के डो से भी हल्का सा सख्त। ये यूपी का बहुत ही फेमस नाश्ता है, ये इसे फरे कहते हैं, कहीं कहीं पर इसे बकोसा भी कहते हैं। तो इसकी पूड़ियाँ बनाकर हम ये स्टफिंग इसमें फिल करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि एकदम ऑयल फ्री नाश्ता है, आप इसे बनाकर 2 से 3 दिन रख भी सकते हैं। तो ये देखिए, आटा हमारा लगकर तैयार है और इतना ही टाइट डो हमें लगाना है। तो इसको सेट होने रख देते हैं थोड़ा 5 मिनट के लिए, उसके बाद इसे हम देख चेक करते हैं। तो 5 मिनट हो गए हैं, आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी छोटी छोटी हम लोइयाँ बनाएंगे, क्योंकि हमें इसकी छोटी छोटी सी हमें पूड़ी बनानी है। तो इस तरीके से आटे को अच्छे से आप मसल कर एकदम चिकना कर लें। देखिए, अब हम छोटी छोटी इसकी पूड़ियाँ बेलेंगे। इस तरीके से आप चकले पर भी थोड़ा सा ऑयल, अगर आप नहीं बेल पा रहे हैं तो चकले पर थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए। लेकिन थोड़ा सा डो टाइट रहता है तो वो इजीली हमारी पूड़ी बेलती चली जाती है। तो अब ये पूड़ी हमारी बेलकर तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग इसमें रख देंगे। इससे ज़्यादा बिल्कुल मत रखना आप, नहीं तो फिर फटने का चांस रहता है। और इसे इस तरीके से जैसे हम गुजिया बनाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से इसे शेप देनी है। और इसे अच्छे से ये हाथ की हेल्प से आप देखिए ये दबा दें, ऊपर से कहीं से भी खुला ना रहे, जैसे मैं अंगूठे से दबा रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरीके से हम दूसरी बना लेंगे। सारी गुजियाँ हमें इसी तरीके से बनानी है। दूसरी पूड़ी भी हम बेल लेते हैं। तो ये बना बना के हम रख लेंगे फटाफट। इसमें भी उतनी ही स्टफिंग डालूंगी मैं। बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में ये फरे। आप अगर ट्राई किए हों तो भी आप मुझे कमेंट में बताना कि आप कैसे बनाते हैं, और अगर नहीं ट्राई किए हैं तो इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करके देखना, बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो इसी तरीके से हम
सारी ये गुजिया बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से बंद करते हैं जिससे ये खुले नहीं। तो अब पानी मैंने गैस पर पहले ही बॉईल करने रख दिया था, तो ये बॉईल हो गया है। तो इसमें हमने जो गुजिया बनाई थी वो हम सारी इस उबलते हुए पानी में डालेंगे। लेकिन एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसमें जब भी आप ये गुजिया डालें तो इसमें पानी का उबाल बना रहना चाहिए। तो मैं एक एक करके इसीलिए ही डाल रही हूँ जिससे उबाल इसमें ख़त्म ना हो। तो उबलते हुए पानी में ही हमें इसे डालना है। करीबन 12 से 15 मिनट इसे अच्छे से हमें इसमें उबालना है। जैसे आप गट्टे की सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो जब गट्टे के लॉग जो हम बनाते हैं वो इसमें डालकर बॉईल करते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही है। और इसमें पानी में जब भी उबाल आ जाए तो आप हल्का सा आधा चम्मच इसमें ऑयल डाल दीजिए, जिससे ये आपस में चिपकेंगी नहीं ये गुजियाँ। वो मैंने पहले ही डाल दिया था जब पानी बॉयल हो रहा था। तो ये देखिए बॉयल होने के बाद ये कितने ऊपर आ गई हैं ये फूल कर। तो हम इसको स्पून की हेल्प से थोड़ा इधर उधर कर देंगे, देखिए अलट पलट कर देंगे थोड़ा सा। और ये अच्छे से हमारी बॉयल हुई है कि नहीं इसका एक तरीका मैं आपको बताती हूँ। या 10-12 मिनट बाद एक फॉक या कुछ भी टूथपिक लेके इसमें डाल के देखिएगा थोड़ा सा अंदर, और अगर वो क्लीन निकलती है तो समझिए अच्छे से ये बॉयल हो गई है। इनको ऐसे भी खा लेते हैं जब ये बॉयल होने के बाद ड्राई हो जाती हैं, इनको हम छलनी में निकालेंगे, लेकिन फ्राई करने के बाद बहुत टेस्टी लगते हैं ये फरे। तो ये अब हम इसे छलनी में निकाल लेते हैं। करीबन 10-11 मिनट मैंने इसे बॉयल किया है। तो अब ये ठंडा होने के बाद मैं इसे कट करूँगी। पीसेज आप अपने हिसाब से छोटे बड़े जैसे भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। इस तरीके से आप कट करके फ्रिज में रख लीजिए इस तरीके से एयर टाइट में, और जब भी आपका मन हो तो आप फटाफट निकालिए और उन्हें फ्राई कीजिए। आप बच्चों के टिफ़िन में भी रख सकते हैं इसको। तो ये सारे देखिए मैंने कट कर लिए हैं, अभी सबको मैं फ्राई करूंगी। तो कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है, थोड़ा सा राई डाली है। अब इसमें करी पत्ता, और अब ये सारे पीसेस हमने काट के रखे थे वो इसमें डाल देंगे। इसमें आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं लंबाई में काट कर बारीक बारीक, बहुत टेस्टी लगती है हरी मिर्च। लेकिन बच्चे थोड़ा नहीं खाते हैं तो इसीलिए मैं इसमें हरी मिर्च नहीं डाल रही हूँ, वरना हरी मिर्च का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। तो ये सारे फरे हमने इसमें डाल दिए, और अब इसको हमें इसमें अच्छे से फ्राई करना है। तो गैस को आप थोड़ा सा मीडियम रखिएगा, एकदम फुल गैस पर मत करिएगा नहीं तो ये जल जाएंगे फिर। तो धीरे धीरे हमें इसको अलट पलट करके चारों तरफ से फ्राई करना है इसको। इसमें बहुत ही कम तेल का यूज हुआ है, बहुत कम तेल, ना के बराबर, लगभग ये ऑयल फ्री ही नाश्ता है। तो जो ऑयल से परहेज करते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा मैंने ऊपर से नमक डाल दिया है इसमें हल्का सा। नमक आप ऊपर से थोड़ा ही डालें क्योंकि इसमें अंदर हमने स्टफिंग में नमक डाला ही था, आटे में भी नमक था। हल्की सी मैंने लाल मिर्च डाली है, लाल मिर्च काफ़ी तीखी है मेरी तो मैंने थोड़ी सी डाली है। आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं इसमें। नाश्ता थोड़ा सा चटपटा ही बढ़िया लगता है एकदम, और इसमें हरी मिर्च और होती तो वाह क्या मज़ा आ जाता है इसका। लेकिन बच्चे थोड़ा कम पसंद करते हैं इसलिए मैंने हरी मिर्च को इग्नोर किया है, और ये लाल मिर्च ही डाली है बस थोड़ी सी। थोड़ा सा चाट मसाला भी आप डाल दीजिए। तो ये देखिए मैंने मीडियम गैस पर इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो ये देखिए ये फरे हमारे बनकर तैयार हैं, और इसके साथ में मैंने ये धनिया की चटनी बनाई है। चटनी के साथ इतने टेस्टी लगते हैं ये फरे, बहुत ही टेस्टी। तो कभी आप इस तरीके से फरे ज़रूर बनाकर देखिएगा, ये यूपी का फेमस नाश्ता है ये। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत जल्दी मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आऊँगी। थैंक यू।